कंट्रोल। साथियों नमस्कार, जिस तरीके से देख सकते हो विधानसभा कार्यालय के अंदर मध्य प्रदेश उपचुनाव के अंदर हमारे बीच में अपनी अपनी पार्टियां हिस्सेदारी ले रहे हैं, इसी बीच में हमारे बीच में राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के हमारे बीच में बहन जी राजकुमारी प्रजापति जी ये प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर गांव के अंदर जनसंपर्क इस तरीके से लोगों का आशीर्वाद वो मिल रहा है। तो हमारे बीच में मौजूद है राजकुमारी जी भी और हमारे साथ में रमेश प्रजापति भितरवारा। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से मुद्दों को लेकर यह है करेरा विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी मैदान में, आखिरकार कौन कौन सी समस्याएं इन्हें करेरा विधानसभा में देखी है और क्या आखिरकार विजय होने के बाद करेंगे। तो अगली आवाज हमारे रमेश प्रजापति जी। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले तो आपके चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने हम जैसे एक छोटी व्यक्ति की बात को आगे बढ़ाने के लिए जनता तक पहुंचाने के लिए आपने एक काम किया, मैं आपका ऋणी हूं, धन्यवाद। विधानसभा करेरा में चुनावी मैदान में आप आए, कौन से मुद्दे को लेकर आए? इसमें मुद्दे कितने हैं भैया जी, मुद्दे तो अपार हैं और बीमारी अपार हैं। यहाँ एक एक गाँव में मैं गया तो वहां देखिए आप कोई समस्या का निदान ही नहीं हुआ। 72 साल से यहाँ जितने भी प्रतिनिधि रहे आए, वोट बटोरा चले गए, पलट के गांव में नहीं देखा, त्राय त्राय मचा हुआ है। चाहे कोई भी सत्ताधारी पार्टी आई, चाहे कांग्रेस आई हो, चाहे बीजेपी आई हो, आज तक आप चले जाओ और उन समस्याओं को एक एक नोट किया है और हम काम करेंगे और जो पावर हमको जनता देगी, जो अधिकार पावर जनता देगी उतना तत्काल करेंगे और 108 की तरह जनता के बीच में रहेंगे और जो हमारे बस से बाहर होगा हमारे अधिकार क्षेत्र से उसके लिए रोड पर खड़े होकर के हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से मानी मेरी करेरा विधानसभा की जनता जनार्दन मेरी भगवान से मैं निवेदन करता हूं कि राजकुमारी प्रजापति को आने वाली 3 तारीख को आप अधिक से अधिक मतदान करके और राजकुमारी जी को विधानसभा में भेजें। मैं वायदा करता हूं इस जनता जनार्दन मेरी भगवान से कि हम एक एक आपके वोट का ऋण मैं ब्याज से चुकाने का काम करेंगे और समर्पण भाव से चरणों का दास बन करके हम सेवा करेंगे।